हेलो दोस्तों, वी आर बैक अगेन। देखो, अब हम ऐसे कैंडलस्टिक पैटर्न की बात करने वाले हैं जो कि मार्केट में बहुत ज़्यादा फेमस है, बहुत ज़्यादा वाइडली यूज्ड है और इसकी रिलेवेंस भी बहुत ज़्यादा है। इसे हम बोलते हैं हैमर या फिर पिन बार। हैमर देखो, अगर आप देखोगे तो हथौड़े की तरह ही दिखाई दे रहा है, पिन बार की तरह ही दिखाई दे रहा है, इसको हैमर या फिर पिन बार बोला जाता है। ये बेसिकली क्या बताता है, ये किसी भी एक पार्टी का बहुत ज़्यादा कंट्रोल बताता है। कैसे देखो, अगर हम रेड वाले हैमर की बात करें तो हैमर कहाँ ओपन हुआ, यहाँ पर मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ। ओपन होने के बाद में मार्केट एकदम ऊपर की तरफ गया और यहाँ पर कौन बैठे हुए थे, सेलर्स बैठे हुए थे जिन्होंने मार्केट को पुश किया बहुत ज़्यादा तरीके से और मार्केट नीचे आ गया। कितना नीचे आ गया कि अपने ओपनिंग प्राइस को क्रॉस करते हुए एक नीचे की तरफ जा कर के मार्केट ने क्लोज बनाया और वही उसका लोवेस्ट प्राइस भी था। ठीक है, उसके बाद में आगे अगर आप देखोगे ग्रीन कैंडल के लिए, तो ग्रीन में क्या हुआ, मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ। ओपन होते ही बहुत ज़्यादा प्रेशर आया, किसका, सेलर्स का, मार्केट एकदम नीचे गया। नीचे जाने के बाद एक लो प्राइस पर, एक प्राइस पर रुक करके वहाँ बहुत सारे बायर्स आ गए जिन्होंने मार्केट को ऊपर की तरफ पुश किया बहुत ज़ोर से, तो मार्केट अपने ओपनिंग प्राइस से भी ऊपर निकल गया और एक प्राइस बनाया जहाँ पर उसका हाई और क्लोज दोनों सेम था। इसकी रिलेवेंस क्या होती है, ये क्या बता रहा है। देखो, अगर मार्केट नीचे चला आ रहा था, मार्केट मान लो ये क्या होते हैं ना, रिवर्सल पैटर्न्स होते हैं मोस्टली, तो मार्केट जब भी रिवर्सल लेने वाला होता है ना तो इन पैटर्न्स को स्पेसिफिकली यूज़ करता है। कैसे, जैसे मान लो ऊपर से नीचे की तरफ मार्केट चलता आ रहा था, चलता आ रहा था और एक एंड में हमें एक कैंडल दिखाई दी, बहुत ज़्यादा चांसेस है कि मार्केट यहाँ से रिवर्स हो जाएगा। क्यों, क्योंकि पहले यह क्या बताता है, जैसे देखना है यहाँ पर ये मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है। ये कैंडल क्या बता रही है यहाँ पर पिन बार, कि मार्केट और नीचे आना चाहता था लेकिन यहाँ पर बायर्स आए जिन्होंने इसको पुश कर दिया ऊपर की तरफ। ये कैंडल क्या बता रही है, ये वाली कैंडल अगर आप देखोगे ये क्या बन रही है, हैमर बन रही है। मार्केट ऊपर आता जा रहा था, ऊपर आता जा रहा था, यहाँ एकदम क्या हुआ, प्रेशर आया किसी का जिसने सेलिंग किया और मार्केट पूरा नीचे की तरफ जाने लगा, तो इसको पिन बार कैंडल बोलते हैं। अब पिन बार कैंडल्स है ना, देखो इस जगह पर अगर आप मार्केट में यहाँ पर लाइव दिखाते हैं आपको, ये देखो ये भी एक पिन बार कैंडल है, हैमर कैंडल है सॉरी। ये देखो मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ, ऊपर गया, ऊपर गया, यहाँ से प्रेशर आया, यहाँ पर क्लोज हो गया, क्लोज होने के बाद में मार्केट नीचे की तरफ जाने लगा है। देखो यहाँ पे देखो एक ये पिन बार कैंडल है, ये भी एक पिन बार कैंडल है। हर एक कैंडल की एक रिलेवेंस होती है, एक जगह होती है यूज़ करने की। ये देखो ये यहाँ पर से ऊपर चला गया दोबारा, यहाँ पर देखो एक पिन बार आया, हैमर आया, हैमर आते ही मार्केट नीचे आ गया। इस तरह से ये कैंडलस्टिक वर्क करता है, इसको हम पिन बार कैंडलस्टिक और हैमर कैंडलस्टिक की तरह बताते हैं। ये जब भी हमें ऐसी जगह पर दिखता है ना जैसे पोटेंशियल रिवर्सल आ सकता है। अब ये पोटेंशियल रिवर्सल कैसे आ सकता है, ये हम समझेंगे जब हम टेक्निकल एनालिसिस के एंड में आने लग जाएंगे ना, तो हम समझ लेंगे जब हम सारी चीज़ों को एक साथ कंबाइन करेंगे, यानी कि सपोर्ट को कंबाइन करेंगे, रेजिस्टेंस को कंबाइन करेंगे, कैंडल स्टिक को कंबाइन करेंगे, एक पैटर्न को कंबाइन करेंगे, तब हमें समझ में आने लगेगा कि इसकी रिलेवेंस कहाँ पर, कैसे और क्यों ज़्यादा है। ठीक है, थैंक यू एंड फॉलो अस फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग वीडियोज़।